Hello, my dear kids. Welcome back. I am Vandana and we are learning English Reader of Class 6. And it is by Brain Root Series. Here is a book, children. And the name of a book is Literary Journeys. And today we are going to start chapter number 7 of your book. And the name of the chapter is Missile Man of India. So, do you know who is known as the Missile Man of India? Actually, let's read about it. And before that, let's start with the warming up. In this lesson, you are going to read about Dr. APJ Abdul Kalam. Aap kiske bare mein padhenge? Dr. APJ Abdul Kalam ke bare mein padhenge. Who became the 11th President of India? Jo India ke 11th President the. He is known as the Missile Man of India. उन्हें Missile Man of India के नाम से जाना जाता है for his valuable contribution as a space scientist. जो जिन्होंने अपना काफ़ी ज़्यादा valuable contribution दिया था space scientist के रूप में. Let's read about a few episodes of his early life. तो चलिए उनके early life के बारे में कुछ episodes हैं जो हम पढ़ेंगे to know how his childhood was. ये जानने के लिए उनका चाइल्डहुड कैसा था. लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो. व्हाट इज स्पेसिफिक अबाउट दीज मैन. सो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, आपको बताना है क्या चीज़ इन सब के बारे में कॉमन है. येस, यू आर राइट, दे ऑल हैव बीन प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया इन द पास्ट. ये सब क्या थे? प्रेसिडेंट थे इंडिया के पास्ट में. कैन यू नेम द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? क्या आपको जो करेंट प्रेसिडेंट है इंडिया की उनके बारे में पता है? यस, शी इज द्रौपदी मुर्मू. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. हियर यू कैन नेम दीज फेमस पर्सनैलिटीज. यू हैव बिकम द फादर ऑफ अ बॉय, सेड द मिडवाइफ टू द मैन स्टैंडिंग आउटसाइड द डोर ऑफ अ स्मॉल हाउस इन अ स्मॉल विलेज ऑफ रामेश्वरम, तमिलनाडु. तो तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में, जो कि एक रामेश्वरम है, वहाँ पे एक छोटे से गांव के एक छोटे से घर में एक आदमी घर के बाहर खड़ा था. और वहाँ पे जो आया थी उसने आके बोला कि तुम जो है क्या बन सकते हो, क्या बन चुके हो, पिता बन चुके हो एक बेटे के. द न्यू बॉर्न रिसीव द नेम ऑफ हिज फादर. सो जो नया बच्चा आया था उसे क्या मिला? उसे नाम मिला अपने फादर का और उनका नाम था जैनुल्ला बिदीन. ही लर्न द इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज फ्रॉम हिज फादर. तो उसने अपने फादर से ह्यूमन वैल्यूज क्या होती हैं इसके बारे में पढ़ा, सीखा. हिज मदर अश्यम्मा वॉज अ सिंपल एंड पायस लेडी. उनकी जो मम्मी थी अश्यम्मा, वो एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल लेडी थी. फ्रॉम हिज मदर ही लर्न टू बी गुड नेचर्ड एंड सिंपल. उन्होंने अपनी मम्मी से सीखा कि कैसे एक अच्छा नेचर रखना चाहिए और कैसे हमें सिंपल रहना चाहिए. दिस बॉय ग्री अप टू बी एपीजे अब्दुल कलाम. और ये बच्चा आगे जाके एपीजे अब्दुल कलाम बना. कलाम वॉज वेरी यंग वेन ही स्टार्टेड लाइकिंग द प्रीस्ट हु ऑफन विजिटेड देयर होम. सो कलाम जो बहुत ज़्यादा छोटे थे जब उनके घर में एक पुजारी आया करते थे और उन्हें वो पुजारी बहुत अच्छा लगता था. अप्पा शास्त्री अंकल हैज़ कम, ही सेड एवरी टाइम द प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल केम ओवर. तो जब भी रामेश्वरम टेम्पल के जो प्रीस्ट हैं वो घर आते थे तो कलाम जो है अपने फादर से क्या कहते थे? अप्पा शास्त्री अंकल आ चुके हैं. Kalam still a young boy sat by the side of his father and learned a lot from these meetings. तो कलाम अपने फादर के साथ इन मीटिंग्स में बैठते थे और बहुत सारी चीज़ें सीखते थे. His parents were religious minded but they had a broad outlook. तो ये जो कलाम थे इनके जो पेरेंट्स थे उनका जो माइंड था वो रिलीजियस था, बट उनका एक काफ़ी बड़ा ब्रॉड आउटलुक था. मीन्स वो दुनिया को एक अलग ही नज़रिए से देखते थे. अम्मी आई एम गोइंग टू द शिव टेम्पल इन द मॉर्निंग टूडे. तो अब कलाम ने अपनी मम्मी से कहा कि मैं शिव टेम्पल जा रहा हूँ आज. वेन आई रिटर्न आई विल गो टू ऑफर नमाज विद फादर एट द मॉस्क.
जब मैं वहां से वापस आऊंगा तो मैं मॉस्क जाऊंगा और वहां जाके नमाज पढ़ूंगा। हिज मदर ऑलवेज ग्रांटेड हिम परमिशन, उनकी जो मम्मी थी वो उन्हें हमेशा परमिशन दिया दे देती थी। अब्दुल कॉल योर अप्पा, तो अब्दुल कलाम को किसी ने बोला कि जाओ अपने पापा को बुला के लाओ। फूड इज रेडी, हिज अम्मा यूज टू से एवरी इवनिंग, तो उनकी मम्मी हर शाम को कहती थी अब्दुल जाओ पापा को बुला के लाओ, खाना तैयार हो चुका है। डेली दे सैट टुगेदर ऑन द किचन फ्लोर एंड एट द फूड स्प्रेड ऑन द बनाना लीफ बिफोर देम, तो अब वो क्या करते थे किचन फ्लोर पे ही बनाना लीफ स्प्रेड करके उस पर वो रोज किचन फ्लोर पे ही बैठ के खाना खाया करते थे साथ में। राइस सांबर होममेड पिकल एंड कोकोनट चटनी वॉज द फीस्ट दैट अब्दुल एपीजे कलाम लव्ड टू ईट, तो अब्दुल कलाम को जो है राइस के साथ सांबर और घर पे बने हुए अचार और चटनी कोकोनट चटनी बहुत अच्छे लगते थे। अब्दुल कलाम चाइल्डहुड वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाई शमशुद्दीन, इनकी लाइफ में एक पर्सन था शमशुद्दीन, उससे इनकी लाइफ पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा जो कि उनका एक कज़िन था। ही वॉज अ न्यूज़पेपर वेंडर एट रामेश्वरम, वो कौन था, वो एक न्यूज़पेपर वेंडर था जो रामेश्वरम में जाता था न्यूज़पेपर बांटने का काम करता था। दीनामानी अ तमिल न्यूज़पेपर वॉज इन ड्यूरिंग दोज डेज, तो उस समय जो एक तमिल न्यूज़पेपर चला करता था जिसका नाम था दीनामानी। कलाम वॉज टू यंग टू रीड, ही येट बोरोड अ पेपर फ्रॉम शमशुद्दीन एंड वेंट थ्रू इट एवरी डे, तो कलाम क्योंकि बहुत छोटा था उसे न्यूज़पेपर रीड करना नहीं आता था, फिर भी वो क्या करता था शमशुद्दीन से न्यूज़पेपर लेता था और उसको ज़रूर देखता था। ही ट्राई टू सेटिस्फाई हिज क्वेस्ट ऑफ नॉलेज बाय लुकिंग एट द पिक्चर्स ऑफ द न्यूज़पेपर, अब वो क्या करता था न्यूज़पेपर की पिक्चर्स को ही देखता था, अपनी अपनी जो भी इच्छा थी उसे सेटिस्फाई करने के लिए, अपने जो भी क्वेश्चन उसे सेटिस्फाई करने के लिए वो उस न्यूज़पेपर के पिक्चर्स को देख के ही काम चला लेता था। वंस ही लर्न टू रीड ही वॉज ऑलवेज सराउंडेड विथ बुक्स, जैसे उसने पढ़ना शुरू किया उसके आसपास हर जगह आपको सिर्फ बुक्स दिखाई देती थी। मिस्टर मनिकम हिज नेबर ऑफन सेड, अब्दुल आई ऑलवेज फाइंड यू सिटिंग हियर इन माई लाइब्रेरी, तो उनके जो पड़ोसी थे मिस्टर मनिकम वो उन्होंने बोला कि अब्दुल मैं तुम्हें हमेशा मेरी लाइब्रेरी में बैठा हुआ देखता हूँ। एंड कलाम वुड स्माइल एट हिम शीपलेसली, और कलाम उनकी तरफ एक प्यारी सी स्माइल पास करते थे। कलाम रेड एवरी बुक दैट ही कुड, कलाम हर एक बुक को पढ़ते थे जो वो पढ़ सकते थे। दैट ले हिज हैंड ऑन एंड बी केम अ वेल रेड पर्सन, और कलाम क्या करते थे हर उस बुक को पढ़ते थे जो वो पढ़ सकते थे और एंड बी केम अ वेल रेड पर्सन, और वो काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान बन चुके थे। इन 1939 वर्ल्ड वॉर सेकेंड ब्रोक आउट, 1939 में क्या हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, कलाम वॉज ओनली 8 ईयर्स ओल्ड देन, कलाम उस समय सिर्फ 8 ईयर्स के थे। टैमरिन सीड्स वर इन डिमांड इन द मार्केट, और उस समय जो इमली के जो बीज थे वो काफ़ी ज़्यादा डिमांड में थे। दिस गेव लिटिल कलाम एन अपॉर्चुनिटी टू मेक सम मनी, और इसके बाद क्या हुआ कलाम के पास एक अपॉर्चुनिटी आ गई जिससे वो पैसे कमा सकते थे। He started collecting the seeds and sell them at shops. अब उन्होंने इन seeds को collect करके shops पे बेचना शुरू कर दिया। Thus he earned one anna every day, जिसके बाद उन्हें एक आना रोज का मिलता था। This was his first earning, ये उनकी पहली कमाई थी। When emergency was declared in India, अब इंडिया में क्या हुआ एक बार इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई थी, ट्रेन्स बिगैन टू रन नॉन स्टॉप एंड डिड नॉट हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन, तो उस समय क्या हुआ जो ट्रेन जो लगातार चल रहे थे और रामेश्वरम स्टेशन पे नहीं रुके। अर्लियर हिज कज़न वुड अनलोड द पेपर्स फ्रॉम द ट्रेन बट विद द चेंज इन द सिचुएशन दैट वॉज नॉट पॉसिबल, अब पहले क्या होता था उसका जो कज़न ब्रदर था वो जो है पेपर्स को अनलोड कर लेता था मींस निकाल लेता था ट्रेन में से, लेकिन अब जैसे ये सिचुएशन आ गई तो ये पॉसिबल नहीं था।
The newspaper bundles were being thrown from the moving train. अब ये जो न्यूज़पेपर के बंडल थे उन्हें ट्रेन से फेंक दिया जाता था, चलती हुई ट्रेन से. समशुद्दीन रियलाइज दैट ही नीडेड हेल्प. अब उसे ऐसा लगा कि उसे हेल्प की ज़रूरत है. कलाम विल यू बी माई असिस्टेंट. क्या तुम मेरे असिस्टेंट बनोगे? ही सेड टू द बॉय वन डे. कलाम अ हार्ड वर्किंग बॉय अग्रीड रेडिली. कलाम ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारा जो असिस्टेंट ज़रूर बनूंगा. He picked up the bundles for his cousin every day and thus earned the first salary. फिर उन्होंने क्या किया, अपने दोस्त के लिए, अपने फ्रेंड के लिए, मीन्स अपने कज़न के लिए जो है वो बंडल्स उठाना शुरू कर दिया, जिसके बाद उन्हें उनकी पहली सैलरी मिली. कलाम वॉज प्राउड टू अर्न मनी विथ हिज ओन हार्ड लेबर. तो कलाम को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की और उसके बाद उन्हें पैसे मिल रहे हैं. When Kalam started going to school, one day he barked into the classroom without realizing that it was not his classroom. तो एक दिन क्या हुआ, जब कलाम स्कूल जाने लगे तो उन्होंने क्या देखा कि जिस क्लासरूम में वो बैठे वो उनकी क्लास नहीं है. The teacher who was teaching in that class gave Kalam a beating with a stick, but Kalam did not complain. तो अब जब उन्हें पता चला कि वो उनकी क्लास नहीं है तो अब टीचर जो पढ़ा रहे थे उन्होंने क्या किया, कलाम को पनिश किया और उसके लिए उन्होंने स्टिक से उनकी पिटाई की, लेकिन कलाम ने इसकी कंप्लेन नहीं की. दिस वॉज हिज मैथमेटिक्स टीचर. वो कौन थे? वो कलाम के मैथ्स के टीचर थे जिनका नाम था राम कृष्ण अय्यर. सो ये कौन थे? कलाम के मैथ्स टीचर. That year when Kalam secured the highest marks in mathematics, the same teacher beamed and said, "This boy, I beat him with a stick. Wait and watch. He will be a great man." तो राम कृष्ण अय्यर जो उनके मैथ्स के टीचर थे, जब उस साल जो है कलाम ने सबसे ज़्यादा नंबर लेके आए वो अपने एग्जाम में, तो उनके टीचर ने कहा कि ये जो बच्चा है जिसको मैंने स्टिक से मारा था, ये एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा. Another teacher, Pandit Shiv Subramaniam Iyer, taught science to Kalam. जो दूसरे टीचर थे जिनका नाम था पंडित शिव सुब्रमण्यम अय्यर, वो कलाम को साइंस पढ़ाते थे. He was fond of the boy. वो उस बच्चे से बहुत खुश थे. One day he invited him to dinner at his house. तो एक दिन क्या किया, उन्होंने उसे जो है अपने घर पे डिनर पे बुलाया. However, as a wife was a staunch Brahmin, she did not serve him the meal inside their kitchen. So, क्योंकि उस टीचर की जो वाइफ थी वो एक ब्राह्मण थी तो उन्होंने उन्हें खाना जो है किचन में नहीं दिया. कलाम डिड नॉट माइंड, उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा. ही सैट विथ हिज टीचर एंड एट द मील आउटसाइड देयर किचन. तो वहाँ पर उन्होंने किचन के बाहर खाना खाया. अ वीक लेटर कलाम वॉज इन्वाइटेड टू डिनर बाई हिज साइंस टीचर वंस मोर. अब एक हफ्ते बाद कलाम को उनके साइंस टीचर ने फिर से खाने पे बुलाया. कलाम वेंट विलिंगली. अब्दुल कम इन टू द किचन एंड ई डिनर विथ अस हियर. तो अब जो है उन्होंने बोला कि अब्दुल आप अंदर आओ, किचन में हमारे साथ बैठ के खाना खाओ. सेड द टीचर्स वाइफ. टीचर की वाइफ ने कहा. कलाम वॉज हैप्पी टू सी द चेंज इन द ऑर्थोडॉक्स लेडी. कलाम ने क्या देखा कि उस लेडी में जो एक ब्राह्मण थी जो मतलब कुछ अजीब से ही मानती थी क्योंकि वो दूसरे कास्ट के भी थे, जो भी चीज़ें थी उन्हें वो मानती थी, तो उनके जो भी थॉट प्रोसेस था उसमें चेंज आया और उन्होंने अपने किचन में उन्हें खाना खाने के लिए बुलाया. तो ये देखे कलाम बहुत ज़्यादा खुश हुए. शी हरसेल्फ सर्व द मील टू हिम. उन्होंने खुद से कलाम को खाना खिलाया. दिस इंसिडेंट सोड द सीड ऑफ सेकुलरिज्म इन हिज माइंड. और इस इंसिडेंस के बाद में उनके दिमाग में जो सेकुलरिज्म था वो ग्रो होने लगा. एस कलाम ग्रो इन टू अ यंग मैन. जैसे जैसे कलाम जो है बड़े हुए वो एक यंग मैन बने. द मिस्ट्रीज ऑफ द स्काई कंटिन्यू टू फैसिनेट हिम. स्काई की जो भी मिस्ट्रीज थी वो उन्हें बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती थी, आकर्षित करती थी अपनी तरफ. अब्दुल वेयर वर यू. His mother would ask. उनकी मम्मी पूछती थी उनसे in the evening में कि तुम कहाँ थे. अम्मी I was watching at the birds, those beautiful seagulls at the beach.
मैं बर्ड्स को देख रहा था, मैं उन ब्यूटीफुल सीगल्स को देख रहा था बीच पे। हाउ स्किलफुली दे फ्लाई, कितने अच्छे से उड़ते हैं ना। आई विश आई कुड टू फ्लाई, मैं ऐसे सोचता हूँ कि काश मैं भी उड़ पाता। कलाम स्पेंड मेनी इयर्स स्टेयरिंग एट द स्काई, कलाम ने बहुत टाइम निकला टाइम तक आसमान को देखते देखते निकाला। वंडरिंग एट द मिस्ट्रीज ऑफ द फ्लाइट, अब वो देखने लगे आसमान की तरफ, सोचने लगे कि उड़ा कैसे जाता है। नो वंडर ही ग्रू अप टू बिकम अ ग्रेट साइंटिस्ट, और बाद में वो क्या बन गए, एक बहुत ही अच्छे बड़े साइंटिस्ट बन गए। ही इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया फॉर हिज वर्क इन द डेवलपमेंट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल एंड लॉन्च ऑफ द व्हीकल टेक्नोलॉजी। तो उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जो मिसाइल को लॉन्च करने में और व्हीकल टेक्नोलॉजी को जानने में काफ़ी हेल्पफुल था। एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हिज वैल्यूज एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स इनैमर्ड द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो एज अ प्रेसिडेंट उनके जो भी वैल्यूज थे वो लोगों को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वॉज ट्रूली अ ग्रेट मैन, वो सच में एक बहुत ही अच्छे और ग्रेट पर्सन थे। सो चिल्ड्रन आई होप यू लाइक द स्टोरी, कितनी अच्छी स्टोरी थी ना डॉक्टर अब्दुल कलाम की। तो चलिए लेट्स मूव ऑन टू ग्लॉसरी एंड दिस इज योर वर्ड मीनिंग। सो ये द फर्स्ट वर्ड इज इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन मीन्स मोटिवेशन। नेक्स्ट इज प्रीस्ट, प्रीस्ट मीन्स पुजारी, होली मैन हु परफॉर्म्स रिलीजियस राइट्स। नाउ क्वेस्ट इज सर्च, किसी चीज को सर्च करना। अपॉर्चुनिटी मीन्स चांस। असिस्टेंट मीन्स हेल्पर। कंपेन मीन्स टू एक्सप्रेस डिससेटिस्फैक्शन। सेक्युलरिज्म मीन्स द बिलीफ दैट रिलीजन शुड बी केप सेपरेट फ्रॉम द सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड कल्चरल फील्ड्स ऑफ एग्जिस्टेंस। बैलिस्टिक मीन्स मूविंग अंडर अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ओनली। पायस मीन्स प्योर। फीस्ट मीन्स स्पेशल मील। सीपेशली मीन्स शाइली। डिक्लेयर्ड मीन्स इम्पोज। बार्ग मीन्स इंट्रूडेड। स्टॉन्च मीन्स स्टेडफास्ट। एंड इनामोर्ड मीन्स एनचैंटेड। सो दीज आर द मीनिंग्स, यू हैव टू लर्न देम। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू बुक एक्सरसाइज। And here the first is comprehension, multiple choice questions. So the first question over here is, Dr. APJ Abdul Kalam is a source of inspiration, love, sympathy, all of them. So here is the source of all of them. Abdul Kalam was born in the village of Ahmedabad, Rameshwaram, Puducherry or Mumbai. So it is Rameshwaram. Now, Samshuddin was Kalam's brother, nephew, cousin of father. So, he was his cousin. And the rest children, you have to do yourself. So, now children, let's move on to B exercise, which is fill in the blanks. First question over here is, Kalam's mother was a simple and pious lady. Kalam's parents were broad, religious minded. Third one, Kalam was always surrounded by books. And these two you have to do yourself. Now let's move on to true or false children. First is Abdul Kalam was an idle man. Yes, this is true. Second one, the boy Kalam used to go to the temple in the morning. Yes, this is true. So the rest children you have to do yourself. It's your homework. And with this, we have completed the chapter. I hope it's clear to you. I'll be waiting for you with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.